ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें। पेट्रोल का 106 रुपए लीटर के पार चले जाना तीनों प्रकार से अहम है, ऐतिहासिक भी है, अकल्पनीय भी है, अभूतपूर्व भी है। ऐतिहासिक को लेकर उतनी चिंता नहीं होगी क्योंकि इतिहास का सिलेबस तो चुटकी में चेंज हो जाता है। अगले साल लिख दिया जाएगा कि जब देश में पेट्रोल 5 रुपए लीटर मिल रहा था तब विपक्ष 100 रुपए का बताकर विरोध कर रहा था और देश की तरक्की में रोड़े अटका रहा था। मई से लेकर अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम 23 बार बढ़े हैं, तब जाकर पेट्रोल 100 के पार पहुंचा है। ये वाला डेटा तो जरूर ही अकल्पनीय और अभूतपूर्व होगा। 35,000 करोड़ के बजट की घोषणा दूसरी लहर से पहले हो चुकी थी, तब तो पता होगा कि पैसा कहां से आएगा। अब क्यों पेट्रोल से इसकी भरपाई हो रही है और 35,000 करोड़ तो सरकार 1-1.5 महीने में पेट्रोल डीजल से टैक्स लगाकर कमा लेती होगी, तो इतने लंबे समय से यह टैक्स क्यों चल रहा है? गजब तर्क है कि टीका के लिए पेट्रोल महंगा हो रहा है। पता चला कि आप टीके का 1200 रुपया बचाने के चक्कर में पेट्रोल और डीजल के बहाने 12,000 रुपए सरकार को दे रहे हैं। कोरोना के कारण हमको अनेक विकास के काम करना पड़ रहा है, भारत सरकार को करना पड़ रहा है, राज्यों को भी करना पड़ रहा है, इसीलिए कुछ टैक्स राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इकट्ठा करते हैं। और जो ये तर्क दिया जाता है कि सड़कें बन रही हैं, तो पहले सड़कें नहीं बन रही थी, पहले देश में कोई विकास नहीं हो रहा था। अब मैंने अमेरिका में जाकर कह दिया कि अमेरिका वालों तुमने सड़क बनाई होगी लेकिन हमने भी तुमसे अच्छी सड़क बनाई है। और सड़कें जहां तक बनाने की बात है, आप या मैं कोई भी हम गाड़ी खरीदते हैं, वन टाइम रोड टैक्स देते हैं ना, अच्छा खासा जाता है। 10-15 लाख की गाड़ी हो, 2-2.5 लाख रुपए तो वन टाइम रोड टैक्स जाएगा, वो सड़कें बनाने के लिए ही तो है। सड़कों पर हम जाते हैं तो टोल टैक्स देते हैं ना, तो वन टाइम रोड टैक्स भी दें, टोल टैक्स भी दें, एक्साइज भी दें, बढ़ी हुई कीमतें भी दें। आम आदमी आज की तारीख में उसकी आमदनी भी तो कम हो रही है, सरकार को अपनी आमदनी की चिंता है, आम आदमी की आमदनी भी तो कम हो रही है ना। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए तो 65 दिन, अब समझिए इस आंकड़े को, जनवरी से फरवरी के बीच में 26 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। मार्च में चुनावों की घोषणा हुई, तारीखों का ऐलान हुआ, 65 दिन, 2 महीने से ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बढ़े। बाजार भूल गया, बाजार सो गया, बाजार ने कीमतें तय करनी बंद कर दी। 2 तारीख को, 2 मई को चुनावी नतीजे आए, 4 तारीख से बाजार फिर से जाग गया और 14 बार ये दाम बढ़ गए। ये देखिए हमारे साथ मखौल हो रहा है, मजाक हो रहा है। पहले लगा कि जनता के साथ ज्यादती हो रही है, अब समझ में आया कि जनता ही ज्यादा देना चाहती है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री का बयान है कि केंद्र सरकार ने 2020-21 में पेट्रोल डीजल से 3.9 लाख करोड़ का टैक्स वसूला है, करीब 4 लाख करोड़। 2014-15 में जब जनता बहुत गरीब थी तब कम टैक्स दिया करती थी, कोई 72,000 करोड़ के आसपास, लेकिन जैसे ही जनता अमीर होती गई 2019-20 तक आते आते 2 लाख करोड़ से अधिक टैक्स देने लगी पेट्रोल डीजल पर। जैसे ही बिजनेस बंद हुआ और नौकरी जाने से जनता और अमीर हो गई, वह 4 लाख करोड़ के करीब टैक्स देने लगी है। तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज़्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है, तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हूँ लेकिन सरकारी खजाना भी खाली ना हो जाए, कहीं सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, हटा दे तो मिल जाएगी।